नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर लगभग सभी ब्रांच के लिए वैकेंसी है, चाहे आप सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं या फिर आप किसी अदर ब्रांच से हैं तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आगे के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर रह सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, तो ये वैकेंसी आपकी निकल कर आ रही है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से। यहाँ पर आपके प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर आपको कुछ पार्टिसिपेटिंग बैंक्स दे रखे हैं, ये वैकेंसीज जो हैं ऑफिसर्स और मैनेजमेंट ट्रेनी की वो इनके लिए ही आई हैं। अगर हम बात करें आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तो आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं 2 अगस्त से और इनकी लास्ट डेट 22 अगस्त रखी गई है। अगर हम बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस की तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होना है, फिर उसके बाद में आपका मेंस एग्ज़ाम होना है, फिर आपका जो सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन जो है आपका वो इंटरव्यू के आधार पर होगा। और आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें आपकी एज लिमिट की तो यहाँ पर आपकी मिनिमम एज 20 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी 30 ईयर होनी चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पर एज पर गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। हम बात करें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पर क्लियर बताया गया है ए डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपने भारत सरकार की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर BBTech कर रखा है किसी भी ब्रांच में आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया है कि जो दोस्त हमारे 2022 में पास आउट हो चुके हैं या होने वाले हैं, अगर उनका रिजल्ट 22 अगस्त से पहले पहले आ जाता है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही में आपके BBTech में एटलीस्ट 60% मार्क होने चाहिए। अगर हम बात करें आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में तो यहाँ पर आपके प्री एग्जामिनेशन में आपसे 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मेंस एग्जामिनेशन में 200 नंबर के आपसे 155 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर आपकी 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। अब बात करते हैं कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते। बात करें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की तो यहाँ पर ऑल अदर कैटेगरी के लिए जो है 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है और SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 175 रुपीज़ रखे गए हैं। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे BBTech कर रखा है किसी भी ब्रांच से, अगर आप लोग इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। बल्क हायरिंग हो रही है यहाँ पर तकरीबन 5000 प्लस पोस्टों के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।